अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उससे आज़ाद कराया था। इस अवसर पर हर साल लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। उत्तर भारत में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस साल विजयादशमी पर कौन से शुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी कि 23 अक्टूबर सोमवार यानी कि कल शाम 5:44 से प्रारंभ हो चुकी है और दशमी तिथि का समापन 24 अक्टूबर यानी कि आज दोपहर 3:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। विजय मुहूर्त 24 अक्टूबर को दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक रहेगा। वहीं रवि योग 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस साल रावण दहन 24 अक्टूबर को शाम 5:43 के बाद करना ठीक होगा। दशहरा पर रावण दहन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 7:19 से लेकर रात 8:54 तक रहेगा। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन चौकी पर लाल रंग के कपड़ों को बिछाकर उस पर भगवान श्री राम और मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद हल्दी से चावल पीले करने के बाद स्वास्तिक के रूप में गणेश जी को स्थापित करें। नवग्रहों की स्थापना करें, अपने ईष्ट की आराधना करें, ईष्ट को स्थान दें और लाल पुष्पों से पूजा करें। गुड़ के बने पकवानों से भोग लगाएं। इसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और गरीबों को भोजन कराएं। धर्म ध्वजा के रूप में विजय पताका अपने पूजा स्थल पर जरूर लगाएं। दशहरा का क्या महत्व है आपको वो भी बता देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी को दो कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त किया था। विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे और दूसरी कथा के अनुसार विजयदशमी के दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा ने 10 दिन तक चले भीषण संग्राम के बाद महिषासुर राक्षस का वध किया था। कहते हैं कि तभी से विजयदशमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।